और यस यस वन मोर थिंग, होली का मुझे एक सबसे अच्छी होली, एक साल हमने फूलों से होली खेली थी, वो जिसको बोलेंगे ना एक बहुत ही सॉफ्ट डेलिकेट मेमोरी है, जब हमने सिर्फ और सिर्फ गुलाब की पत्तियां, गेंदे की पत्तियां और अलग अलग फ्लावर्स के पेटल्स से हमने होली खेली थी और वो बहुत सुंदर एहसास था। तो यस, वो बहुत अच्छी याद है। आपकी ना मेमोरेबल होली और इस साल किस तरह मनाएंगे? अरे मैं तो हर साल होली बहुत धमाकेदार मनाती हूँ और इस बार भी वैसे ही मनाऊंगी। हाँ, बस जो पानी में भीगना मुझे बहुत पसंद है, तो इस बार थोड़ा उससे परहेज करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ कोविड। बाकी दोस्तों से मिलना, मस्ती करना, डांस वांस, ये वो हुड़दंग वाली, वो सब करूंगी। मेमोरी कोई होली की? मेमोरी ओके। हाँ तो अभी एक्चुअली लास्ट टू लास्ट ईयर हम सारे फ्रेंड्स मिलके एक जगह गए थे, हमने रिजॉर्ट बुक किया था, बंगलो बुक किया था और हम सारे लोग गए थे वहाँ होली मनाने। काफी सारे लोग थे और मुझे सारे दोस्तों ने पटक पटक के, और स्विमिंग पूल में मैं जैसे ही बाहर आती थी फिर उठा के मुझे डाल देते थे, फिर बाहर आती थी फिर उठा के डाल देते थे। तो वो एक मेमोरी है, बहुत ही क्रेजी होली थी वो। सर आपकी है ना मेमोरेबल होली और क्यों, और कुछ इस साल कैसे मनाएंगे? मेमोरेबल होली जो थी मेरी 1989 में बीती थी, जब मैं यहाँ पहली बार स्ट्रगल करने आया था। पहली बार मतलब ये मेरी दूसरी इनिंग है, पहली इनिंग के बाद में यहाँ से चला गया था। तो वहाँ पर जो है, वहाँ के एक चौल में रहता था शास्त्री नगर में, तो वहाँ के लड़कों ने जो है वो मेरे साथ होली खेली थी और वो मुझे जो है वो जूह चौपाटी में होली खिलाने ले गए थे और उन्होंने जो लगभग मुझे समुद्र में डुबा दिया था। तो मतलब वो मेरी एक बड़ी यादगार सी होली है। उसके बाद जब मैं बाहर निकला तो मैं दूसरा ही आदमी था कि इस जगह पर तो है वो ऐसे हल्के में नहीं रहा जा सकता, यहाँ बहुत स्ट्रांग होने की जरूरत है। तो वो होली मैं नहीं भूल सकता कभी भी। सर इस साल किस तरह से? इस साल तो होली का हमारा चांस है नहीं, मैं क्लियर बता दूँ, क्योंकि हम इस होली को इस बार अवॉइड करेंगे बिकॉज ऑफ कोविड। हाँ, अगले साल की होली हम बहुत धूमधाम से मनाएंगे। सर आपकी मेमोरेबल होली और इस साल कैसे मनाएंगे आप होली? एक बार होली में मैंने भांग खा ली थी और उड़ रहा था मैं आसमान में भांग खाने के बाद, तो वो मेरी बड़ी मेमोरेबल होली है। तब मैं बहुत पागलों की तरह नाचा था बिल्कुल, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। पर मैं रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों से कि भांग ना खाएं, क्योंकि भांग खाने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि मैं सचमुच पागल हो जाऊँगा बिल्कुल। तो ये बहुत ही ख़राब नशा है। मैंने एक बार किया, मज़ा भी बहुत आया, पर मैं दोबारा नहीं करूँगा ये मैं जानता हूँ। तो होली में हमारे देश में जो भांग खाने की परंपरा है उसकी वजह से मेरी होली यादगार रही है, ये अलग बात है। पर आप सबसे यही बोलूँगा कि भांग मत खाइएगा, सेफ होली खेलिएगा, रंग ऐसे मत लगाइएगा जो छूटते ही नहीं है, साफ ही नहीं होते हैं, जो बिल्कुल अच्छे जो केमिकली काफ़ी सेफ रंग होते हैं उन्हें को यूज़ करिएगा और सेफ होली खेलिएगा। सर आपकी मेमोरेबल होली कौन सी है सर, और क्यों, और इस साल कैसे मनाएंगे आप? मेरी मेमोरेबल होली, आई रिमेम्बर कि मैं दिल्ली में था और मेरे फ्रेंड्स कुछ होली खेलने जा रहे थे कहीं, तो मैंने कहा मैं होली नहीं खेलूंगा, मैं गाड़ी में बैठता हूँ, आप लोग जाओ क्या। तो उन्होंने जाने का प्लान बनाया और जो जिसके होली खेलने जा रहे थे गए थे वो लोग और ये लोग कम से कम 10-12 लोग आए, मुझे उठाया उन्होंने, उठा के उनके बहुत बड़ा पॉन्ड बना रखा था उन्होंने, उसका कलर डाल रखे थे उसमें, फिर पॉन्ड में उन्होंने डाल दिया। एंड द वर्स्ट पार्ट वाज कि आई वाज वेयरिंग माय ब्रांड न्यू शूज, मैंने केट्स पहली बार पहने थे एंड वो पूरे केट्स खराब हो गए, उस कलर लग गए, एंड आई रियली फेल्ट सॉरी। सर इस साल कैसे है? इस साल और क्या, हर साल मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हर साल सूखी होली मनाएं और ज़्यादा पानी वेस्ट ना करें। और दूसरा ये कि क्या होता है कि इतने आप फास्ट रंग लगा देते हैं कि वो निकलते नहीं हैं, तो ऐसे रंग लगाएं जो कि जल्दी आराम से निकल जाएं और तकलीफ ना हो। और आई थिंक होली का मतलब कलर्स है, तो यू कैन प्ले विद लॉट ऑफ कलर्स इंस्टेड ऑफ प्लेइंग विद वाटर।